हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ. तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी. अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ. तो देखिए, मैंने झाड़ू लगा ली हूँ और अब पोछा लगाऊंगी. पोछा लगाने के बाद मेरा बेटा कॉलेज जाएगा, तो उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी. फिर मेरे कान्हा जी सोए हुए हैं, तो मैं पोछा लगा के और नहा के फिर उनको उठाऊंगी और बाकी का काम ब्लॉक में बने रहिए. बादाम है, छुआड़ा है, इसको छिलकर और उसे खाने के लिए दे दूंगी. फिर उसके बाद चना खा लेगा. तो देख सकते हैं, इसे मैंने छील लिया है और चना बॉईल करने रख दिया है. तो देख पा रहे हैं, चना बॉईल हो रहा है. अब इसके नाश्ते के लिए हो जाएगा, तो मैं अपने बेटे को दे दूँगी. और ये है उसका स्टडी टेबल. स्टडी को क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ. देख सकते हैं गाइस, मैंने पूजा करने की सारी तैयारी कर ली है और अब मैं कान्हा जी की पूजा करूँगी. तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, हो गई शाम और बच रहे हैं, टाइम हो रहा है 7:30. तो मैं बना देती हूँ खाना. तो मैंने सब्जी काट कर चढ़ा दी है. मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ और बनाऊँगी रोटी. तो सब्जी रोटी बनाऊँगी. दोपहर में आज बेटा कॉलेज चला गया था जल्दी, खा के भी नहीं गया था. और फिर मैंने दोपहर को खाना बनाया ही नहीं, बस ऐसे ही कुछ नाश्ता कर ली, हो गया. तो अभी मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी रोटी. तो बना देती हूँ. पैसे आजकल मेरे पास ना ब्लॉग बनाने के लिए कुछ आया था ना. दूसरी बात है कि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है. मेरा मोबाइल हो गया है खराब, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ. बस शॉर्ट्स ही बना पाती हूँ, जिसमें अगर एक तो वीडियो डाल दो तो मतलब क्लिप सुना के डाल दो तो हैंग हो जाता है मोबाइल. तो मुझे नया मोबाइल लेना पड़ेगा. जब तक मैं नया मोबाइल नहीं आता है, तब तक मैं शायद कोई भी ब्लॉग ना बना पाऊँ. नहीं बना पाती हूँ, इस बार हैंग हो जाता है, चलता ही नहीं है, रुक जाता है. और ब्लॉग्स में ना ही मेरे कोई सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना ही उस टाइम बढ़ता है और कोई मेरा वीडियो देखता है. बस आज के ब्लॉग में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं. घर का खाना, बर्तन, चूल्हा, चौका. तो अगले महीने मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ कहीं शादी में. है इसमें पूरे 4 साल बाद, 4 साल बाद शादी अटेंड करूँगी. अभी फिलहाल टाइम है, लेकिन कैंसिल ना, क्योंकि मैं ये शादी इंजॉय करना चाहती हूँ. तो किसकी शादी है और कब है ये तो बताऊँगी मैं. ब्लॉग आएगा बहुत जल्द शादी का, तो उसमें बताऊँगी. तो देखते हैं, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय गाइस. अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी, इतना सा भी अच्छा लगे, तो लाइक कर लीजिए प्लीज. और अगर नए हैं नया मेरे ब्लॉग में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए. मुझे बताइए क्या करना चाहिए, क्या नया, किस तरह का ब्लॉग लाओ, क्या सुधार लाओ. आप लोग प्लीज़ देखेंगे तब तो बताएंगे ना, जब देखते ही नहीं तो कैसे बताएंगे. प्लीज़ देखा करिए. तो बस मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक.